सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। दोस्तों ICT के अंदर काफ़ी तरह की जनरल एब्रीवेशन और टर्मिनोलॉजी हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को सही से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इस वीडियो में हम उन जनरल एब्रीवेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो पहले आ चुके हैं और जिनके आगे भी आने की संभावना है, जो हमें इम्पोर्टेंट लगती है। और इसके साथ साथ आप एक बार सभी की सभी इन ये जो जनरल एब्रीवेशन है वो पढ़ जरूर लेना दोस्तों, क्योंकि क्या पता कौन सी आ जाए, कुछ भी हम कह नहीं सकते। और अगर मैं एक एक पढ़ाने लग गया दोस्तों तो ये जो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी की सभी पढ़ लेना, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे ज़्यादा फोकस करूँगा। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर है इनसाइड कंप्यूटर पार्ट, जो कंप्यूटर के पार्ट होते हैं उनके ऊपर किस तरह की जनरल एब्रीवेशन होती है उन पे हम बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारे सेकंड नंबर पे BIOS। ये जो है पहले भी पूछी जा चुकी है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार पहले आ चुकी है। अब देखिए इसका मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ये हमें याद रखना ज़रूरी है। और आगे दोस्तों हमारे पास DNS, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका मतलब होता है दोस्तों डोमेन नेम सर्विस या डोमेन नेम सर्वर भी इसे कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों DPI, डॉट पर इंच। और आगे दोस्तों हमारे पास DVI यानी कि डिजिटल विजुअल इंटरफेस। और फिर है दोस्तों हमारे पास FAT, फाइल एलोकेशन टेबल। तो इस तरह की जो एब्रीवेशन है ये हमें करना काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों, और ये सभी की सभी आप पढ़ जरूर लेना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास जैसे कि एक छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि GB का मतलब क्या होता है, गीगाबाइट होता है, ये हम बेसिक चीज़ें ये हमें पता होना चाहिए। और आगे जैसे ये है GUI, ये भी पहले क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ये आप ध्यान में रख लेना। और आगे जैसे कि ये है MBPS क्या होता है, KBPS क्या होता है, ये सभी हमें पता होनी चाहिए, और ये नॉर्मली सभी को पता होती है, मेगाबाइट पर सेकंड, किलोबाइट पर सेकंड। और आगे हम देखते हैं एक है दोस्तों MHz, मेगाहर्ट्ज़, ये होता है। और फिर है दोस्तों MP3 का मतलब होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप लेयर 3 ऑडियो, ये हमें पता होना ज़रूरी है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है और ये आने की संभावना होती है। एक ये देखिए दोस्तों MPEG, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप कहा जाता है इसको। और फिर है दोस्तों हमारे पास NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल ट्रांसफ़र। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, RGB का मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, ये जो हमारे कलर वगैरह जो होते हैं उनके बारे में होते हैं कंप्यूटर के अंदर। और उसके बाद है जैसे दोस्तों हमारे पास आगे देखते हैं हम, आगे ये देखिए AMD, एक हमें ये पता होना चाहिए AMD का मतलब क्या होता है, एडवांस माइक्रो डिवाइस होता है। और उसके बाद में जैसे CD के बारे में हमें पता होना चाहिए, कम्पैक्ट डिस्क होता है। और एक ये क्वेश्चन आया दोस्तों पहले, CD-ROM की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है दोस्तों, ये हमें ध्यान में रखनी ज़रूरी है। ये क्वेश्चन शायद मेरे को लग रहा है 2018 में या 19 में आया है, मेरे को ध्यान में है ऐसा। और CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल होता है इसका मतलब। और फिर है दोस्तों एक कंप्यूटर की भी हमें पता होना ज़रूरी है, ये कई जो अदर एग्ज़ाम है उनके अंदर ये एब्रीवेशन पूछी जा चुके हैं। इसका मतलब है कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये इसकी फुल फॉर्म है। और आगे दोस्तों हमारे पास CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। और फिर है हमारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं DVD से रिलेटेड जो हमारी एब्रीवेशन है उन पे। अब देखिए DVD से रिलेटेड काफ़ी तरह की यहाँ पे एब्रीवेशन है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि DVD का मतलब क्या है। DVD का मतलब है दोस्तों डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। और DVD रैम का मतलब है, रैम का जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि रैंडम एसेस मेमोरी, तो ये क्या है कि दो जो एब्रीवेशन है उनको जोड़ के बनाई गई है। जैसे कि नीचे है DVD ROM, DVD का हमने पढ़ लिया और ROM का हमने पढ़ा था, ऊपर रीड ओनली मेमोरी होता है। तो ये सभी की सभी आप एक बार देख लेना, बिल्कुल आसान है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास जैसे कि ये है HDD, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हार्ड डिस्क ड्राइव इसका मतलब होता है। और फिर है दोस्तों LCD, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये हमारा जून 2019 के अंदर भी आया था, LCD जो हमारा पहली जो शिफ्ट थी उसी के अंदर मॉर्निंग में ये पेपर आया था। तो इसका मतलब है LCD का मतलब लिक्विड
क्रिस्टल डिस्प्ले इसका मतलब होता है। और फिर है दोस्तों LED, LED का मतलब है लाइट एमिटिंग डायोड होता है। और रैम का हमने पढ़ ही लिया। और उसके बाद दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए कि HDMI का मतलब क्या होता है। HDMI का मतलब होता है दोस्तों हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस होता है। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों और हमारे पास कौन सी इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि यहाँ पे हमने ये देखा HDD हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, FDD का मतलब है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। और आगे देखते हैं आगे कौन सी है हमारे पास आगे, जैसे कि हाँ ये जो है दोस्तों ये भी काफ़ी बार आ चुका है USB। USB का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और फिर है VGA का मतलब है वीडियो ग्राफिक एरे। और फिर है VG रैम वीडियो रैंडम एसेस मेमोरी। यहाँ जहाँ पर रैम आ जाए तो उसका मतलब ज़्यादातर यही होगा दोस्तों रैंडम एसेस मेमोरी, और रोम का मतलब होगा रीड ओनली मेमोरी। और आगे देखते हैं दोस्तों आगे है हमारे पास SSD सॉलिड स्टेट डिस्क, ये भी क्वेश्चन आया था। और फिर है दोस्तों हमारे पास SMPS का मतलब है स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। दोस्तों ये सभी चीज़ें आप याद रखने की कोशिश करना, और अगर मैं इनको समझाने लगूँ कि SMPS क्या होता है, कौन सा पार्ट होता है कंप्यूटर के अंदर, तो ये जो वीडियो घंटों में जाके बनेगी। तो शायद कुछ कुछ दोस्तों को पता होगा कि SMPS क्या होता है। SMPS वो होता है जिसके अंदर से लाइट की वायर लगती है। और आगे हम देखते हैं आगे हमारे पास कौन सी है आगे, जैसे कि नेटवर्क से रिलेटेड कौन कौन सी है ये आप देख सकते हैं। वैसे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए 2G क्या होता है, 3G क्या होता है, 4G और 5G क्या होता है। 4G का मतलब है फोर्थ जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी है उसे हम कहते हैं 4G कहते हैं। और उसके बाद जैसे हमारे पास एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है FTP। FTP का मतलब होता है दोस्तों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और इसमें से क्वेश्चन आ चुका है पहले, ठीक है, तो ये हमें याद रखना ज़रूरी है। आगे देखते हैं दोस्तों आगे हैं हमारे पास जैसे कि LAN। अब LAN के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, ये हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और इसके बारे में LAN WAN MAN जो है 3 से 4 तरह की जो एरिया नेटवर्क है उन सभी के बारे में हम बात करेंगे आगे की वीडियो में, अच्छे से समझाएंगे कि इनमें से कैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी आप केवल इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, LAN का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। और फिर है दोस्तों IMAP इंटरनेट मैसेज एसएस प्रोटोकॉल होता है। और फिर है GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, और GPRS जनरल पैकेज रेडियो सिस्टम। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और देखते हैं दोस्तों और हमारे पास कौन सी है, जैसे कि अब देखते हैं हमारे पास MAC है। MAC का मतलब है मीडिया एसेस कंट्रोल। MAN का मतलब है मेट्रोपोलिटेनियन एरिया नेटवर्क। फिर है POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पी है। फिर है POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। PPP का मतलब है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सभी आप एक बार देख लेना। और उसके बाद है जैसे अपनी आगे है ये सभी नेटवर्क से रिलेटेड है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें से भी क्वेश्चन आया है। और फिर है VPN भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फिर है WAN वाइल्ड एरिया नेटवर्क। फिर है WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। और आगे हम देखते हैं जैसे आगे है हमारे पास वाईफाई का मतलब है वायरलेस फिडेलिटी। और फिर है WLAN का मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। और उसके बाद है दोस्तों हमारे पास इसके अलावा कुछ अदर जो टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में हम बात करते हैं। ATM का मतलब है एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। और उसके बाद है दोस्तों हमारे पास IT का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और आगे है हमारे पास दोस्तों IEEE इसका मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ये हमें पता होना ज़रूरी है। और फिर है ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। फिर है पोस्ट का मतलब है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और उसके बाद और भी है हमारे पास काफ़ी तरह की चीज़ें हैं, वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों, उन पर एक बार एक नज़र दौड़ा लेते हैं। अब देखिए PC का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर होता है। CPU का हमने पढ़ा था पहले, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, UPU। और उसके बाद जैसे RAM का हमने पढ़ लिया, ROM का पढ़ लिया, LCD का पढ़ लिया, LED का पढ़ लिया, और NTFS का भी हमने पढ़ लिया, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है।
और एक हमारा इसके अंदर जैसे फैट है, फैट का हमें ये भी हमने पढ़ लिया। फिर डॉक, डॉक का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, ये सभी चीज़ें जैसे सीडी है ये भी हमने पढ़ ली। एसडी का हमें पता होना चाहिए, सिक्योर डिजिटल। और आगे हम देखते हैं, आगे भी अगर कोई है तो आगे ये सभी हमने पढ़ी हुई है दोस्तों, जैसे कि डीवीडी पढ़ लिया हमने, आईएएस पढ़ लिया, और डीवी डेटाबेस हो गया, एसवाईएस ये भी हमने देख लिया, और फिर डेल डिलीट हो गया। आगे हम देखते हैं, आगे अगर कोई और है तो उसके अंदर WMP विंडो मीडिया प्लेयर ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों, और TMP टेम्प्रेरी होता है। और आगे हम देखते हैं, हाँ आगे ये चीज़ें हमने वैसे पढ़ ली लेकिन फिर भी हम दोबारा पढ़ लेते हैं, ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों क्योंकि इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुके हैं। MP3 मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप फेज 3, MPEG 3 भी इसे कहा जाता है, ठीक है, ये आप एक और पढ़ लेना। और एक और इसके अंदर जैसे JPG है, JPG काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है पहले, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है, ए भी एक। आगे दोस्तों हमारे पास WMV ये भी हमने पढ़ लिया, फिर GIF ये हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें से पहले क्वेश्चन आया है, ग्राफिक्स इंटरचेंजिंग फॉर्मेट होता है इसका मतलब। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे आगे आप दोबारा से ये देख सकते हैं इनमें से भी, जैसे डोमेन DNS ये भी हमने दे दिया। हाँ एक चीज़ और यहाँ पे, ये देखिए ये नई चीज़ आई है HTTP, इसका मतलब होता है दोस्तों हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों HTTPS, इसमें से ये क्वेश्चन हमारा आया था शायद जून 2019 के अंदर ही आया है। HTTPS का मतलब है दोस्तों हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका मतलब ये होता है। जैसे कि आप कई बार वेबसाइट खोलते हो तो उनमें कईयों में तो होता है HTTP होता है और कईयों में HTTPS होता है। HTTPS वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे लेन देन किया जाए, जैसे अमेज़ोन है, अमेज़ोन पे जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम पेमेंट करते हैं, तो जहाँ पे पेमेंट की बात आए वहाँ पे होगा HTTPS यूज़ किया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास HTML, HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और उसके बाद जैसे PHP आप पढ़ लेना, और फिर है XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसका मतलब है। तो ये सभी आप एक बार पढ़ लेना दोस्तों, ये काफ़ी ज़रूरी है। और उसके बाद है जैसे CC, हाँ ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CSS कैस्केडाइंग स्टाइल शीट इसका मतलब होता है दोस्तों। और जैसे आगे है SQL का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और फिर है WWW ये भी क्वेश्चन आया है दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब इसका मतलब होता है। और आगे देखते हैं, आगे हमारे पास कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये जैसे आप एक बार पढ़ सकते हैं SEO CEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, ज़्यादा तो ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी एक बार आप ध्यान देना। और फिर है हमारे पास MMS, ये भी एक क्वेश्चन आया था पहले दोस्तों, मल्टीमीडिया सर्विसेज का मतलब होता है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास कोई और इम्पोर्टेंट है तो ये हमने पढ़ ली। हाँ एक चीज़ और, गूगल का वैसे नहीं पूछ सकते आप, फिर भी पढ़ लेना गूगल का मतलब क्या होता है, याहू का, इंटेल का और LG का, ये वैसे नहीं पूछ सकते। हाँ ये पूछ सकते हैं दोस्तों, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इसका मतलब होता है, IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इनमें से क्वेश्चन आया है दोस्तों जून 2019 में, इनमें से क्वेश्चन आया है, और 17 में भी इसमें से क्वेश्चन आया है, इनमें से मोस्टली क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये दोनों एब्रिविएशन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की ICT जर्नल एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी, और हमने पूरी कोशिश की है कि हम आपको सभी इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन करवाएं, लेकिन अगर फिर भी इनमें से कोई चीज़ छूट जाते तो हम आगे की वीडियो में आपको करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम ICT में फाइल एक्सटेंशन के बारे में बात करने वाले हैं, और इनमें से बहुत से क्वेश्चन आए हैं पीछे भी, और आगे भी इसमें से एक दो क्वेश्चन आने की संभावना है, तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। ये दोस्तों अब हम सभी तरह की फाइल एक्सटेंशन के बारे में बात करते हैं, और इस वीडियो में वैसे तो हमने सभी की सभी फाइल एक्सटेंशन दी हुई है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको मेन जो फाइल एक्सटेंशन है उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप ये वीडियो रोक के सभी की सभी फाइल एक्सटेंशन ज़रूर देख लेना, क्या पता एग्ज़ाम के अंदर कौन सी फाइल एक्सटेंशन पूछ ले। अब देखिए सबसे पहले हम करते हैं ऑडियो फाइल एक्सटेंशन।
एक्सटेंशन। इसके अंदर जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि जैसे MP3 होती है, MP3 वो एग्ज़ाम के अंदर क्या देंगे कि जैसे कि फाइल एक्सटेंशन .mp3 किसके लिए यूज़ होती है, वो आगे ऑप्शन देंगे, तो हमें उनमें से सिलेक्ट करना कि कौन सा सही है। तो MP3 किसके लिए होती है, MP3 ऑडियो फाइल के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद है जैसे .mpa, ये होता है MPEG 2 ऑडियो फाइल के होती है। उसके बाद .wav, ये होती है वेव फाइल के लिए होती है। और फिर होते हैं WMA, ये होते हैं विंडो मीडिया ऑडियो फाइल के लिए यूज़ होती है। और उसके बाद जैसे WPL, ये होती है विंडो मीडिया प्लेयर प्लेलिस्ट के लिए यूज होती है। और इसके अलावा भी और जैसे यहाँ पे ये दी हुई है, ये सभी के सभी आप एक बार ज़रूर देख लेना, ये भी आ सकती है एग्ज़ाम के अंदर। अब बात करते हैं हम वीडियो फाइल एक्सटेंशन के बारे में। देखिए दोस्तों, आपने वीडियो काफ़ी तरह की वीडियो देखी होगी, जैसे फुल HD वीडियो देखी है, MP4 वीडियो देखे, तो हर तरह की जो वीडियो होते हैं उनका फाइल एक्सटेंशन अलग अलग होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले इसके अंदर है हमारे पास AVI, तो इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों ऑडियो वीडियो इंटरलेव फाइल होती है। फिर है FLV, इसका मतलब होता है अडोब फ्लैश वीडियो फाइल। और उसके बाद में जैसे ये है, ये भी आप देख लेना। और आगे हम देखते हैं कि आगे वीडियो फाइल के अंदर और किस तरह की होती है वीडियो फाइल एक्सटेंशन में, और भी है जैसे कि .mkv। दोस्तों आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जो हमारी वीडियो फाइल होती है उसके लास्ट के अंदर एक्सटेंशन होती है, जैसे .mov, .mp4 और .mpg, तो इस तरह की सभी होती है। तो इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि MOV का मतलब क्या है, ये यहाँ पे फुल फॉर्म भी हमने यहाँ पे दी हुई है सभी की सभी, तो ये आपको पता होना चाहिए। और एग्ज़ाम के अंदर वो कैसे दे सकते हैं, ये दे सकते हैं दोस्तों, इनमें से जैसे ये चार दे देंगे, चार फाइल एक्सटेंशन दे देंगे और वो कह देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ये आप एक बार ज़रूर देख लेना। और आगे हम देखते हैं जैसे कि आगे 3GP जो है वो हमारे पहले काफ़ी यूज़ होती थी। 3GP जो वीडियो होती थी उनकी क्वालिटी बहुत लो क्वालिटी होती थी और उनका जो साइज़ होता था वो भी बहुत कम होता था, तो ये सभी की सभी आप एक बार ज़रूर देख लेना। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास इमेज फाइल एक्सटेंशन। अब देखिए इमेज भी हमारी काफ़ी तरह की होती है, जैसे PNG हमने देखी है, JPG देखी है, तो इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे है .ai, इसका मतलब होता है अडोब इलस्ट्रेटर फाइल। और फिर है BMP, बिटमैप इमेज फाइल। फिर है GIF, इसका मतलब होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट इमेज। और GIF के बारे में पहले क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अंदर और भी है, जैसे कि PNG की मैं बात कर रहा था, इसका मतलब होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक इमेज होता है। फिर JPEG का मतलब तो यही होता है JPEG, और इसका फुल फॉर्म मैंने उसके अंदर दिया हुआ है, जो हमारी फुल फॉर्म वाली वीडियो है उसके अंदर देख लेना। और उसके बाद है जैसे PSD होता है दोस्तों, जो हमारी फ़ोटोशॉप की जो फाइल होती है उसे हम PSD के नाम से जानते हैं। और .svg, ये सभी यानी कि आपको पता होना चाहिए कि अगर एग्ज़ाम के अंदर ये आ जाए कि PSD फाइल एक्सटेंशन किसके लिए यूज़ की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इमेज के लिए यूज़ की जाती है। और वहाँ पे कंफ्यूज़ करने के लिए इमेज भी दिया हुआ होगा, ऑडियो फाइल भी दी हुई होगी, वीडियो फाइल भी दी हुई होगी, तो ये हमें पता होना चाहिए। और आगे हम बात करते हैं, हमारे पास टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन की बात करते हैं। टेक्स्ट का मतलब होता है जैसे हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं, PDF फाइल होती है, PPT होती है, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है, और डॉक की फाइल होती है, तो ये सभी हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे जो यूज़ में होती है वो होती है डॉक, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो फाइल होती है DOC। और उसके बाद है दोस्तों जैसे कि ODT, आप देख सकते हैं ओपन ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट फाइल। और फिर है PDF जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर है RTF, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल, इनकी कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि टेक्स्ट फाइल के अंदर किस किस तरह की एक्सटेंशन आती है, ये हमने यहाँ पे सभी दी हुई है। और आगे हम देखते हैं जैसे कि ये आप देख सकते हैं, आप सभी एक बार देख ज़रूर लेना इन सभी को। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास स्प्रेडशीट फाइल एक्सटेंशन। स्प्रेडशीट जैसे कि हमारी जो एक्सेल वगैरह की फाइल होगी उनके अंदर किस तरह की फाइल एक्सटेंशन यूज़ की जाती है, इसके अंदर जैसे .excel माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल के लिए यूज़ की जाती है। और एक जैसे PPT होती है, PPT होती है दोस्तों हमारे लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होती है, तो ये हमारी मुख्य रूप से फाइल एक्सटेंशन है। और इसके अलावा भी जैसे कि आप
और भी कई फाइल एक्सटेंशन है जो बिल्कुल अलग होती है, अलग कैटेगरी की होती है। अब देखिए जो एक और नई फाइल एक्सटेंशन है वो है दोस्तों एपीके होती है, जो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन होते हैं इंस्टॉल करते तो उसकी जो फाइल एक्सटेंशन होती है उसे कहते हैं हम एपीके। इसका मतलब होता है एंड्रॉयड पैकेज फाइल। फिर होता है .bat बैच फाइल, .bin बाइनरी फाइल, तो इन सभी को आप देख लेना। और .com इसको भी कई बार, जैसे .com वैसे तो आपने सुना होगा कि जो वेबसाइट वगैरह होती है उसमें लगता है, लेकिन ये फाइल एक्सटेंशन भी होता है। MS-DOS कमांड फाइल होता है। और फिर है .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारे पास जैसे .jar जावा अर्चीव फाइल होता है, और ये सभी आप एक बार देख लेना। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों और सम अदर इम्पोर्टेंट फाइल भी हम देख लेते हैं, जैसे AU ये होती है बेसिक ऑडियो होती है, AVI ये हमने कर ली दोस्तों मल्टीमीडिया ऑडियो वीडियो फाइल, और BMP ये भी हमने कर ली। यहाँ पे हमने कोई और भी कई चीज़ें दी है, यहाँ पे आप देख लेना। जैसे कई चीज़ें इसके अंदर नहीं है, एक होता है हमारे साथ .cdr होता है, ये होता है दोस्तों हमारे जो कोरल ड्रा होते हैं डिजाइनिंग के लिए उसकी फाइल होती है ये। और यहाँ पे जैसे कई चीज़ें जो हमने मिक्स की हुई है पहले भी दे रखी है, फिर भी आप इनको देख लेना। और यहाँ पे GIF ये इम्पोर्टेंट है, ये पहले आ चुका है। और एक हाँ एक HTML, HTML हमें पता होना चाहिए किसके लिए यूज़ होती है, ये हमारे वेब पेज के लिए यूज़ होती है। और फिर MAC मैक मैक पेंट के लिए यूज़ होती है। और उसके बाद में जैसे और तो जैसे हमने ये सभी कर ली, PDF कर ली, PNG कर ली, PPT कर ली, PSD भी कर ली हमने। और उसके बाद में जैसे हाँ एक ये चीज़ है क्वार्क, क्वार्क एक्सप्रेस। क्वार्क एक्सप्रेस होता है दोस्तों हमारे जो टाइपिंग वगैरह करते हैं उसके लिए यूज होती है। और हम देखते हैं इसके अंदर अगर कोई और भी इम्पोर्टेंट फाइल है, तो एक हमारी जिप होती है दोस्तों, जिप हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। हम किसी भी डॉक्यूमेंट को कंप्रेस करते हैं, उसका फाइल का साइज़ है वो कम करते हैं, तो उसे हम जिप फाइल के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं। और तो दोस्तों ये थी आज की हमारी मुख्य रूप से फाइल एक्सटेंशन। आप एक बार फिर से इन सभी को ज़रूर देख लेना, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना रहती है। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।